दोस्ती। तकसीम उम्मीद रोशनी खैर मुश्किल नहीं। अरे अल्लाह के नाम पे दे दो 5 रुपए बाबा। साहब जी शीशा साफ कर दूं? साहब जी नहीं, पीछे हटो। साहब जी कल से कुछ नहीं खाया साहब जी, बहुत भूख लगी है साहब जी। यार चिपक की जाते तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए? साहब जी 5 रुपए का सवाल है साहब जी, बहुत भूख लगी है साहब जी, 5 रुपए दे दो ना साहब जी। हटाओ आप, दबाओ जो भिखारी कहीं के पेशे ही बना लिया तुम लोगों ने। बेटा क्यों रो रहे हो? साहब आज 50 रुपए पूरे नहीं हुए ना, तो आज मेरा बाप मुझे बहुत मारेंगे। मेरी अम्मा बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे दे दो ना साहब। कितने की दवा आएगी? 200 रुपए। तुम्हारे पास वो पर्ची है? वो जो डॉक्टरी पर्ची होती है अस्पताल वालों की? हाँ हाँ है मेरे पास। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हाँ दिल का दौरा पड़ा। झूठ बोलते हो तुम, इसमें तो जोड़ों के दर्द की दवा लिखी हुई। नहीं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह की कसम मेरी माँ अस्पताल में है, बहुत बीमार है। साहब पैसे दे दो ना दवा के लिए। चलो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल क्यों? तुम्हारी माँ को देखने। माँ को देखने? उसको तो घर ले आए। तुमने मुझे पैसे नहीं देने, मैं जा रहा हूँ। इतना छोटा सा था लेकिन इतने एतमाद के साथ झूठ बोल रहा था कि मैं भी हैरान रह गया। क्या तरबियत हुई थी इस गधागर बच्चे की। परफेक्ट। सुनो इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे थे तुम? कहीं नहीं। तुम यहाँ पर मास्टर हो? नहीं बेटा, तुम नहीं कहते बड़ों को, आप कहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मौजू। मौजू? असली नाम बताओ। मुजाहिद। पर तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि तुम्हें स्कूल दाखिल कराना है। स्कूल? ना बाबा ना, मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। क्यों? उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बेटा साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाए, लोगों के आगे हाथ ना फैलाए, भीख ना मांगे, लोगों के धक्के ना खाए। उसके बेटे की भी इज्जत हो, बोलो। हाँ वो तो है, लेकिन हम तो फकीरों के बच्चे। रमजान के बाबर का फकीरों के बच्चे स्कूल नहीं जाते। किसने कहा? बस बस मुझे पता है, अभी छोड़ दो मुझे।
अभी 35 रुपए कमाने हैं मुझे, वरना अब्बा मुझे कल की तरह मारेगा। अच्छा, दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 50 रुपए। अच्छा 50 रुपए। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें 50 रुपए रोजाना दे दूं, तो तुम स्कूल पढ़ने आओगे? और किताबें? वो भी मिलेंगे। आओ चलो। चप्पल कहाँ तुम्हारी? ये रात क्या है? बाबा मैं कल से स्कूल जाऊंगा। क्या क्या लो फिर चढ़ गया बुखार इसको स्कूल का? तुझ पे गया है ना, एक बार जो चीज दिमाग में घुस गई फिर निकलती कहाँ है? तै तो हर बात का इल्जाम मनने देता है, न मनने का इसको। क्यों बे, फिर किसने पढ़ाई पट्टी तुझे स्कूल की? मास्टर जी कहते हैं भीख मांगना मुसलमान की शान नहीं, और वैसे भी लोग झिड़के ही तो देते हैं। आज एक बंदे ने मेरे पाँव में मोटरसाइकिल चढ़ा दी, देख अभी तक दर्द हो रहा है। अबे फकीरों के बच्चे अफसर नहीं बनते, फकीर ही रहते हैं, समझे? नहीं अब्बा नहीं, मास्टर जी कहते हैं हर बंदे की इज्जत होती है और भीख मांगना इज्जत की बात नहीं होती। अबे चुप चुप, मांगना पेशा है हमारा, हमारे बाप ने दादा ने सब ने भीख मांगी, हम काम क्यों करें? और ये जो तेरे दिमाग में ये स्कूल वकूल का कीड़ा है ना, निकाल इसे, वरना मैं बात बुरी तरह पेश आऊंगा। अच्छा बस बस, रोटी खा तू और इसको भी खाने दे। चल पुत्र रोटी खा। स्कूल जी। मास्टर जी आपने मेरा नाम लिख लिया? जी बेटा लिख लिया, और ये लो किताबें, खूब दिल लगा के पढ़ना ताकि तुम अपने लिए इज्जत कमा सको और तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब जाओ शाबाश। मास्टर जी अगर मेरे अब्बे को पता चल गया तो क्या होगा? देख लेंगे, डरो मत, वो है ना तुम्हारे साथ। वो कौन? अल्लाह मियां। जिसके साथ अल्लाह मियां होते हैं उसके अब्बे को कुछ नहीं पता चलता? नहीं, जिसके साथ अल्लाह मियां होते हैं उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। चलो शाबाश बैठो। अच्छा तो बच्चों सबने कायदे खोल लिए? जी सर। अब ये बताओ, अलिफ से अल्लाह, रे से बकरी, पे से पापा, और ते से तितली। हर माँ की जीत। अलिफ मदा से आम, अलिफ से अनार, 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 अलिफ मदा से आम, अनार। ये किताबें हैं? ये बस्ता कहाँ से आया ये? मास्टर जी ने दिए। तेरा सत्यानाश, सारे पैसों से ये चीजें खरीद ली तूने, मैंने तुझे मना